हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयूरी है। आज हम बात करेंगे पूसा बासमती 1847 के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था पूसा बासमती की वेराइटीज के बारे में, कौन कौन सी वेराइटी मार्केट में उपलब्ध है और कौन कौन सी वेराइटी मार्केट में अभी नई आई हुई है। उसमें से आज हम बात करेंगे 1847 के बारे में। ठीक है, 1847 ये कितने दिन की वैरायटी होती है, इसका उत्पादन कितना होता है, प्लस इसमें जो हमको बीज कितना रिक्वायरमेंट रहता है, वो सभी अभी मैं आपको डीप में बताऊंगी। जैसा कि 1847 ये एक सुधारक रूप है 1509 की वैरायटी का। ठीक है, अगर हम इसकी डेज की बात की जाए तो ये 125 दिन की वैरायटी होती है और इसकी अगर उत्पादन की हम बात करते हैं तो इसमें लगभग आपका 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। अगर हम इसकी बात की जाए बीज के बारे में कि बीज कितना रिक्वायरमेंट रहता है, तो जैसे हम अभी तक जो धान यूज करते 5 से 6 किलो प्रति एकड़, उतना ही बीज इसमें रिक्वायरमेंट रहता है। ये हल्की सी खुशबू वाली होती है, साथ ही साथ इसमें ये लंबा दाना होता है और हल्का सा फ्लफी होता है। ठीक है, अगर हम इसके बुवाई की बात की जाए तो ये सभी क्षेत्र में इसकी बुवाई होती है, यूपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ पंजाब में भी इसकी खेती होती है। ठीक है, अगर इसके हम उत्पादन की हेक्टर में बात की जाए तो अराउंड ये 5.7 टन पर हेक्टर इसकी उत्पादन रहता है। इसकी सीजन की बात करते हैं तो मई से जून में इसका जो है बुवाई होती है। ठीक है, अभी इसकी अगर हम मार्केट में पैकिंग के बारे में बात की जाए तो 10 किलो की पैकिंग में ये उपलब्ध होता है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।